आप हुसैन का जिक्र करते हैं, क्या हुसैन की जिंदगी से आपको ये वाकया नहीं मिलता? एक बार की बात है कि हज़रत इमाम हसन बहुत छोटे हैं और हज़रत इमाम हुसैन भी बहुत छोटे हैं, बहुत कम फर्क था आप दोनों की उम्र में। तो उस वक्त किसी बात पर, बच्चों में होता है, किसी बात पर आपस में बोल चाल बंद हो गई। अब न हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन से बोल रहे, न हजरत इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन से बोल रहे। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरा दिन जब आया तो हजरत इमाम हसन ने कहा हजरत इमाम हसन से, हुसैन ने कहा हजरत इमाम हसन से अपने बड़े भाई से कि भाईजान हम लोगों को आपस में बात करते हुए तीन दिन हो गए हैं, तीन दिन से हम लोगों ने अपनी बात नहीं की, एक दूसरे से बात नहीं की, आज तीसरा दिन है, आप बोलना शुरू कर दीजिए हमसे। हजरत इमाम हसन ने फरमाया मैं बड़ा हूं मैं पहले बोलूं या तुम छोटे हो तुम पहले बोलोगे, बचपने की बात। तो हजरत इमाम हुसैन ने क्या कहा था मेरे प्यारे, कहा भाईजान बात ये नहीं है, मैं छोटा हूं सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने नाना जान को कहते हुए सुना था कि जब दो मुसलमानों में बोलचाल बंद हो जाए किसी ना इत्तेफाकी की बुनियाद पर तो जो पहले बोलेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। अब भाईजान मैं पहले बोलकर, मैं छोटा होकर, आप बड़े हैं, आपसे पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप पहले बोले ताकि आप पहले जन्नत में जाए, पीछे मैं जन्नत में जाऊँ।